जब भी इल्म की मजलिस मुशायदा हो तब मुझे अपने आप से अलग मत रखना। ए मौला, मुझ पे रहम करना कि मैं आपकी पनाह में आई हूँ। जारे ता खाते बेसा
या मौला, जब आप आखरत का हिसाब करेंगे यानी हमारे आमाल नामे खोलेंगे, उस वक्त मेरी रूह आपको याद दिलाएगी कि जब मैं आपके नूर से अलग हुई हूँ तब से आपने मेरा हाथ थामा है और मैंने भी जन्म जन्म से आपकी दावेदारी की है। फिर आज आप मेरा हाथ किस तरह छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने भी कौल दिया है कि बकौल इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के, जिन्होंने हमारा कांवा भरा है उन्होंने हमारी दावेदारी का कौल हमें दिया है और हमने भी जमानत दी है कि जो बैत का कौल पूरा करते हैं उनको हमारा दस्त बख्शते हैं। ए जी जन्म देकर आपकी बैयत करवाई और जिंदगी भर आपकी फरमा बरदारी सिखाई, इश्क और मोहब्बत की इबादत सिखाई और आपकी पनाह में दे दिया। अब या मौला, हमारी बैयत की लाज रखते हुए
हमारी रूह को निजात देना। या मौला, मुझ पे रहम कीजिए, मैं बेसहारा आपकी पनाह में आई हूँ। सामी जैसे आपके लाखों आशिक हैं जो आपके इश्क में फना होने की चाहत रखते हैं, आप पाक नूर हैं और मैं आपके कदमों की खाक हूँ। या मौला, मुझ पर रहम कीजिए कि मैं बेसहारा आपकी पनाह में आई हूँ। ए जी देखकर असल में वासल करना, हालांकि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। ऐ मौला, मुझ पर रहम करना कि मैं आपके पनाह में आई हूँ। ए जी सामी ये कला ना
या मौला, अब मेरी रूहानी ताकत इस कदर बढ़ चुकी है कि रूह इस बदन की कैद को तोड़कर बाहर जाने के लिए बेताब है। अब तो आप मुझसे शादी करें, यानी मेरी रूह को वासिल करके अपने नूरी समंदर में समो लीजिए। ऐ मौला, मुझ पे रहम कीजिए कि मैं आपकी पनाह में आई। पीर ने रूहानी शादी का जिक्र किया है कि ऐ मौला, बारात लेकर आना, यानी कि ढोल और शहनाई बजाकर आना और मुझे पिया करके ले जाना, यानी अपने अंदर वासल कर लेना। जैसे कि पीर ने गिनान में भी फरमाया है, आसमानी तंबल वागिया, सामी जी भले आविया। ऐ मौला, मुझ पर रहम करें, मैं आपकी ताबेदार मोमन हूँ। मालिक, मुझ पर रहम कीजिए कि मैं बेसहारा आपकी पनाह में आई हूँ। सामी बदनाम हुई हूँ, आखरत में कलब चुक के सारे मोमिन जमा होंगे और करोड़ों को आप निजात देंगे। ऐ मालिक, मुझ पर रहम कीजिए कि मैं बेसहारा आपकी पनाह में आई। ए जी अनंता
बेशुमार जुग के मोमिन आखिरत में मिलेंगे। उस वक्त मुझ बेसहारा और कमजोर को ढूंढते हुए आप बजाते खुद आना। ए मौला, मुझ पर रहम कीजिए कि मैं बेसहारा आपकी पनाह में आई हूँ। सामी सूरतों में आकर थक चुकी हूँ। अब मेरे गुनाहों को बख्श कर मुझे असल में वासल कीजिए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान के मुताबिक आप ऐसा हुनर करें कि आपकी रूह जन्म लेकर दोबारा इस दुनिया में न आए। ए मालिक, मुझ पर रहम कीजिए कि मैं बेसहारा आपकी पनाह में आई हूँ। सामी जल मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है और तड़पती रहती है, और एक औरत जिस तरह अपने खाविंद की जुदाई में तड़पती है, ऐसा ही हाल मेरी रूह का है। ऐ मौला, शादी का सामान यानी इश्क और मोहब्बत की इबादत और आमाल की पाकिजगी से सत सबूरी खमिया ईमान जैसी खूबियां मेरे अंदर पैदा हो जाएं तो जरा भी देर ना करना और जल्दी से आकर शादी कर लेना। सामी पुराना परिभ्रमण
जिस तरह धूप की तपिश से बेशुमार कतरे समंदर से बुखारात की सूरत में अलग होकर अपना असली वजूद खो देते हैं, इसी तरह खुदा के नूरी समंदर से भी करोड़ों रूहानियां अलग होकर समंदर के कतरे की तरह अपनी असलियत से जुदा हो गई हैं। इसी तरह मौला मैं भी एक कतरा हूँ आपके नूरी समंदर का। मालिक मुझ पर रहम कीजिए कि मैं बेसहारा आपकी पनाह में आई हूँ।